एक चीटिंग डबलिंग का चीटिंग का जो चीरा लगा रहने वाला है वो डबलिंग डबल अमाउंट डबल करता हूँ तीन महीने में छः महीने बोल के एक साल में बोल के पब्लिक को उल्लू बना के तकरीबन बोझागुट्टा एरिया से 50 लाख करीब अमाउंट चीट करके पब्लिक से लिया। इसका नाम कोंडा वेंकटा मुरली कृष्णा है, चीरा लगा रहने वाला है। इन्हें एक 5 महीने पहले आप बोझागुट्टा एरिया में फिर के यहाँ पूरे जहाँ पूरे लेबर रहते हैं लोअर क्लास लोग रहते हैं डेली वर्कर्स रहते हैं उनको मिलके मैं इन्वेस्टर हूँ, जो भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको 6 महीने के अंदर 100 रुपये 1000 रुपये का 2000 रुपये दे तुम बोल के छोटे छोटे लोगों को 1 महीने में दे दिया। पहले कोई 2000 दिए तो उसको 4000 दिया, जो जो भी इन्वेस्टमेंट करते उसको इसका सिल्वर का गिफ्ट देता, चेन देता, ऐसे प्लेट देता, पूरा वो देता। तो पूरे मिडिल क्लास लोग आए थोड़े उसके बातों में आके लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू हो गए। पूरे तकरीबन एक बोझागुट एरिया में 45 से 50 लोग इसके पास इन्वेस्ट करे, हमारे हिसाब में अब तक एक 50 लाख रुपए लोगों से लिया लोकल एरिया से। तो हमको ये नहीं मालूम था, तो पर 2 दिन के पहले मोहम्मद यूसुफ बोल के जो वही एरिया में रहते उन आके कंप्लेंट करे साहब एक मुरली कृष्णा बोल के चीराला का है इन्वेस्टमेंट डबल कर तुम बोल के लिया मेरे को तो 5 लाख रुपए लिया बोल के इन्फॉर्मेशन दिया। तो हम जब वेरीफाई करें तो पूरा एरिया में मालूम हुआ कि एक आदमी आके डबल करके दे तुम बोल के पैसे वसूल कर तुम बोल के बोल रहा बोल के इन्फॉर्मेशन है। तो उसके पास हम कंप्लेंट लेके एक चीटिंग केस रजिस्टर करे इंस्पेक्टर राजीव नगर केस रजिस्टर करके ऐसे कुमार स्वामी को दिए। तो हम लोकल इंक्वायरी करें तो ऐसा मालूम हुआ एक चीराला का रहने वाला आदमी अब फिलहाल जो सिकंदराबाद में रहता है यहाँ के लोगों के पास इन्वेस्टमेंट में ले लेके जा रहा बोल के इन्फॉर्मेशन था। तो जो भी इंक्वायरी करे हम लोग तकरीबन 40 से 50 लोग जो पैसे दिए आए। तो हम प्लान कर रहे थे उन्होंने बोले साहब एवरी ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ था बोल के बोले तो कल फिर इन्वेस्टमेंट लेने के लिए फिर एंटर होगा है। हम एक प्लान लगा के मफ्टी में लोगों को लगा दिए भोजागुट्टा में आते उसको हम पकड़ लिए। उसके बाद पूछे तो क्या उन्हें खूब लिया जो भी हाउस साहब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ डबल देते मिल करता हूँ उसका खता पता कुछ भी नहीं बोला। सर्च करते उसके पास प्रेजेंट में एक 4 लाख रुपये प्रेजेंट में मिले उसके पास 4 लाख रुपये जेब में मिले जो वसूल करा उधर उधर में। और उसके पास गोल्ड चेन है पूरे ये चेन डाल के रहता हमेशा चेन वो दिखते दिखना कि ये बड़ा शरीफ आदमी है बड़ा दिन दिखने के लिए चेना डाल लेता इतने चेना डाल लेता अंगूठे लगा लेता उन्हें पूरे पूरे अंगूठे रहते हैं आपके जरा देखो आप कैसे रहते हैं अंगूठे लगाए तो सेट कैसे दिखता हूँ सेट कैसे हाँ मोतम गोल्ड है इस तरह वो तकरीबन 24 तुला दे पूरे मिल के। हाँ तो हम उसको पकड़ लिए इन्हें सिकंदराबाद में एक लॉज में रह रहा इमीडिएट हम लॉज को ले पूरा रेड करे रेड में पूरा मिला कि हमको 12.5 लाख 30 हज़ार रुपये मिले उसके पास। उन्होंने कबूल करा साहब मैं इन्वेस्टमेंट के पैसे पूरे बोल के बोला और जो भी गोल्ड ले ये पैसे खरीदूँ बोल के बोला। तो ये पैसे भी सीज करे ये गोल्ड सीज करे 24 तोले का गोल्ड आर्नामेंट्स और सिल्वर आर्नामेंट भी सीज करे इसको इसको रिमांड करने वाले हैं। तकरीबन हमारे हिसाब में 50 लाख का चीटिंग करा है भोजागुट्टा में तकरीबन 50 लाख इन्वेस्टमेंट एक साल में डबल दे तो बोल के बोला। बैंक वाले अपन 1 लाख रुपये दिए तो अपने 6000 रुपये दिए थे एक साल के बाद इन्हें बोला बैंक को कहा जाते आप 1 लाख दो 2 लाख लो बोल के लोगों को उल्लू बना दिया पैसे ले लिया। और तकरीबन उन्हें अभी 40 लाख रुपये इसलिए रिकवर करने का है अपने को और उसको हम पुलिस कस्टडी लेंगे चीराला जाएंगे कहाँ कहाँ करा करेंगे। और पब्लिक से हमारी ये गुजारिश है जो भी इसके हाथ में चीटिंग हुआ गया जो भी विक्टिम्स है इंस्पेक्टर आसिफ नगर वेंकटेश्वर को या एस कुमार स्वामी को आके रिपोर्ट करना उसको हम जस्टिस दिलाएंगे। साहब ये 5 महीने हुआ भोजागुट्टा में पूरे लोग आ रहे थे शरीफ लोग आ रहे थे सुबह उठ के काम कर लेते डबल बेडरूम जहाँ बन रहा पूरे लोग झोपड़े में रहते उसकी बात सुन के पैसे दे दिए। इन्हें पूरे 6 अंगूठे लगा दिया था पूरे 2 चेन। हाँ किस तरह का बिजनेस बताता सर इन्वेस्टमेंटर बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट डबल इन्वेस्ट कर रहा हूँ राहुल डबल देता हूँ बोला इन्वेस्टमेंट कर ले रहा हूँ मैं तुम दिया तो मैं डबल देता हूँ जो 1000 रुपये देते चेन देता हूँ। जैसा मोहम्मद यूसुफ 5 लाख रुपये दिए हाँ वो साहब को क्या दिया ना 5 लाख दिए ना एक अंगूठा दिए उनको और एक सिल्वर का कुछ दिए इन्वेस्टमेंट वो तो गिफ्ट दिए ऐसा पहले गिफ्ट देते हो ना पहले तो लोग गिफ्ट भी आ गया बोल के खुशी से डाल देते पैसे कोई भी लोगों में से कोई भी एक वगैरह या कुछ भी ऐसा पैसे लिए नहीं पूरा
तुम्हारा अमाउंट इतना है, तुम्हारे एक साल के बाद तुम्हारे 15,000 की 30,000 आते तुम्हें, बस ऐसा लिख देता था।